तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज हम कस्टम रूम कास्ट कर रहे हैं। तो अभी हमारा प्लेन उड़ान के लिए तैयार हो चुका है। फ्लाइट पार्ट की बात करें तो प्रीमोस्फीयर पिरगट का रूइन शूटिंग रेस तक जाता है, मिलिट्री बेस तक भी जा सकता है आराम से। आप हाई रफ यहाँ लूट कर रहे हैं और वहाँ पर मुझे लगता है स्टार मुबीन को यहाँ पे घेर लिया गया और पिस्तौल से मारने की कोशिश यहाँ पे, लेकिन क्या वो फॉल बैक कर पाएंगे? जी बिल्कुल, फॉल बैक अभी के लिए तो फॉल बैक कर लिया है उन्होंने। हाइड्रा पर उठ जाते हुए और उनकी स्क्वाड के मेंबर को लगता है बच नहीं पाएंगे हमें लगता है। एकदम वो है, ये है इनके पास UMP मिल गई है अभी, और एक UMP है और एक UMP है अभी इनके पास, और इनके ऊपर स्क्वाड फटाफट आ रही है, तो उनको कुछ तो करना पड़ेगा। और हाइड्रा सफू ने स्टार मुबीन को नॉक कर दिया है, विद एक प्लेयर इनका नॉक हो गया है, तो उनको कुछ तो करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ पटेल मूस को भी नॉक कर दिया है। दूसरी तरफ तो फाइट लगातार हो रही है, यहाँ पे स्टार मुबीन को फिनिश कर दिया हाइड्रा सफू ने। और का और यहाँ पे सामने ही अल्फा आपू माहिर, और यहाँ पे हाइड्रा सेबू आके शहबाज को नॉक कर देंगे बहुत ही बढ़िया। और पूरी टीम आके चढ़ गई है उन पर, पूरी टीम मोलोटोव से, और मुझे लगता है टीम वाइप भी हो चुकी है यहाँ पे। नहीं, हाइड्रा कोई लास्ट मैन स्टैंडिंग टू प्लेयर है उनके पास, M249 भी है हाइड्रा मोहा के पास। उन्होंने प्लेयर को स्पॉट भी कर लिया है, तो देखते हैं क्या कर पाते ये यहाँ पे, देखते हैं ये क्या कर पाते हैं। लेकिन दोनों स्प्लिट ज़्यादा है, तो देखना पड़ेगा उनको। हाइड्रा सफू यहाँ पे एक फिनिश ले चुके हैं, तो देखते हैं क्या वो पूरी स्क्वाड वाइप कर पाएंगे या नहीं। और यहाँ पे देखते देखते हाइड्रा फयू भी नॉक हो चुके हैं, तो अब मुश्किलें और भी ज़्यादा हो गई है क्या। और M249 चलने लगी है, क्या हाइड्रा मोहा क्लच कर पाएंगे? ये हाइड्रा फयू को फिनिश कर दिया हाइड्रा सेबू ने, तो देखने वाली बात यह है क्या ये क्लच पर क्या ये 1v4 कर पाएंगे या हाइड्रा की टीम इनको जल्दी फिनिश कर देगी। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कार98 का शॉट, और कार98 के शॉट के साथ फिनिश भी कर दिया है मोहम्मद सेठ को, तो देखते हैं वो प्लेयर को ढूंढ पाते हैं या नहीं। दो दो के स्प्लिट में हो गई है हाइड्रा, नेट यहाँ पे किया जा चुका है, मुझे लगता है उस तरफ वो पहुँच गए हैं। और यहाँ पे हाइड्रा सफू ने हाइड्रा मोहा को भी फिनिश कर दिया माहिर के साथ। अर्ली फोर किल्स मिल चुके हैं विदाउट अ कैजुअलिटी, तो देखते हैं आगे वो कहाँ जाते हैं अभी, और लूट करेंगे और देखना है अभी हम देखते हैं कहाँ और फाइट हो सकती है। यहाँ पे फाइट होने की ज़्यादा चांसेस है, यहाँ पे दो मैन टू ही प्लेयर आए हैं, सामने भी शायद से टू ही प्लेयर है, 2v2 की फ़ाइट हो सकती है, शायद ये 2v3 की फ़ाइट है, देखते हैं हम जाके उनके ऊपर भी। यस, ये 2v3 की फाइट है, इनके टीम में प्रिंस है, आमू है, देखते हैं ये क्या कर पाते हैं। डिसन इनके पास लूट भी मिल चुका है, AKM है, एक फर्स्ट एड किट है, लेवल 2 हेलमेट है, लेवल 1 बैकपैक है, तो देखना है फाइट कितनी देर में एंगेज हो पाती है। ज़्यादा दूर भी नहीं है, पहले प्लेयर है, इतनी ज़्यादा स्प्लिट है, थोड़े स्प्लिट है, ज़्यादा स्प्लिट भी नहीं है, तो यहाँ पे सिटी के पास फाइट हो सकती है। ये सोल लिखा है, क्या लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है इनके हिसाब से, सोल आफ्टाप। और यहाँ पे जल्दी फाइट एंगेज होने वाली है, उनका एक प्लेयर डाउन हो गया है जिनका नाम है पटेल माही, तो देखना अब ये है कि क्या कर पाते हैं ये लोग। यहाँ 1v1 की फाइट हो सकती है, यहाँ सामने ही प्लेयर है मोइन, यहाँ पे ब्रोकन वॉल के पास बैठे, उनको पता है वो शॉट ले रहे हैं, और ये नॉक हो गए है, मैड बॉय की तरफ से नॉक कर दिया गया है। और यह उनका पुश देखने के लिए मिल गया है, अब सिचुएशन 3v3 हो गई है शायद से, या 3v2, देखना पड़ेगा हमें, शायद से 3v2 स्विच सिचुएशन हो चुकी है, अब सिचुएशन 3v2 हो चुके है, तो आगे बढ़ के पुश कर देना चाहिए इनको या होल्ड करेंगे, देखते हैं हम ड्रोन व्यू की मदद से देखना चाहेंगे। और यहाँ पे किलर अम्मू और साहिल गोरी, यहाँ पे किलर अम्मू के पास M4 है और बैरल है, और साहिल की बात करें तो इनके पास UMP ही है और स्कारल है,
विथ लेवल टू हेलमेट एंड लेवल टू वेस्ट, ज़्यादा हीलिंग की इनके पास कमी है। जिस तरह से ये पीछे जा रहे हैं मुझे लगता है फॉल बैक करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी टीम को हमें देखना है वो क्या करना चाहती है। और उसी तरफ हाइड्रा ने फिर से फाइट लेना शुरू कर दिया है। हाइड्रा ये टीम मुझे ज़्यादा अग्रेसिव प्लेयर लगते हैं, इनके टीम के सामने है सोल डेविल, अमीन है, थ्री प्लेयर है शायद उनका एक प्लेयर, और यहाँ पे तीसरी भी टीम आ चुके हैं, अल्फा निंजा की टीम आ चुके हैं, और ये फोर मैन सीधे पुश करना चाहते हैं या रिच पे जाना चाहते हैं देखते हैं। पीछे से तलेर आ रहे हैं रिच पे, मुझे लगता है रोजो क्वाली हिल पे जाना प्रीफर करेंगे ये लोग तो। और एयर सोल आफ्ताब ने एक और प्लेयर को नॉक कर दिया, वहाँ पे साहिल गोरी को नॉक कर दिया है आफ्ताब, और सीधा फिनिश भी कर दिया अभी। और अभी यहाँ पे घमासान फाइट होने वाली है, 4v3 की फाइट है, दो प्लेयर आगे बढ़ चुके हैं, कवर फायर देना चाहते हैं बस हाइड्रा सबको। पटेल माहिर अल्फा आफुक के पास जाएंगे, उनके पास बैरल है और फर्स्ट एड किट है, लेवल टू हेलमेट है, लेवल टू वेस्ट है। और एक्सचेंज करते हुए किलर अम्मू ने सोल आफ्ताब को नॉक कर दिया है, तो देखते हैं या वो क्लच कर पाएंगे या वैसे ही मर जाएंगे। और पटेल से और हाइड्रा से वो बहुत ही क्लोज जा चुके हैं, तो देखना पड़ेगा क्या होता है। ये 2v3 के स्प्लिट में खेल रहे हैं, दो प्लेयर एक अपार्टमेंट में है, दो एक प्लेयर अलग अपार्टमेंट में है, या हाइड्रा की तरफ से भी ऐसा स्प्लिट में खेल रहे हैं, तो देखते हैं हम पीओवी उनका। और यहाँ पे एक और टीम फिनिश हो चुकी है, किलर अमुक कुछ भी नहीं कर पाया, एक नॉक किया था लेकिन ज़्यादा रेड ट्रक सर्वाइव नहीं किया, पुश करना चालू कर दिया है माहिर के। हम पीओवी देखते हैं तो उनका लेवल 1 का हेलमेट है और डैमेज बहुत ही ज़्यादा हो गया, उनके पास है पोएट्री ऑफ द 100 बुलेट, जो कि अब इसमें मैग लग के आप 150 बुलेट कर सकते हैं, और पुश कर दिया है। देखना इनके पास हेलमेट नहीं है क्या। हाइड्रा सबके पास देखे थे, उनको डीपी मिल चुके हैं और एक M4 मिल चुके हैं, लेकिन हीलिंग इनके पास कुछ ज़्यादा खास नहीं है। हाइड्रा सेबू की बात करें तो मोलोटोव फेंकना चाहते हैं, क्या इससे कुछ कर पाएंगे, इनके पास ऑलरेडी थ्री फिनिश है, मोलोटोव गया तो है लेकिन प्लेयर नीचे है, तो प्लेयर नीचे आ चुके हैं। इनके पास भी अच्छी खासी लूट हुल चुकी है, M4 है, बैरल है, ये भी नेट कुक करना चाहेंगे, इनके पास लूट काफ़ी डिसेंट है। इनका एक प्लेयर ऑलरेडी डाउन हो गया है तो वो बैकफुट पर है, और ये बहुत ही बढ़िया कुक नेट, लेकिन अपने ऊपर नेट कर चुके हैं, क्या वो बच पाएंगे। यस, उन्होंने फॉल बैक कर लिया है, बार बार बच गए वरना अपने ही नेट से फूट जाते और उनको पुश करने का चांस मिल जाता, और उन्हें और तीसरी टीम साइड से आ चुकी है यहाँ पे। यस डेफिनेटली, तो देखना ये है कि क्या होता है यहाँ पे। फाइट एंगेज करना चाहते हैं, फिर से नेट मारना चाहते हैं, क्या वो पॉसिबल होगा। फिर से नेट डाला है, फुल प्रॉपर कुक करके डालना चाहते हैं, वहाँ दो प्लेयर है, फिर नेट डाला और क्या यहाँ पे नहीं डैमेज ही मिला है सिर्फ। अब इनके पास लगता नहीं है कि इतने ज़्यादा नीड है। और तीसरी टीम में भी यहाँ पे आ चुके हैं, उनको कुछ डाल दिया है सोल डेविल ने, और सेल डेविल को भी नॉक कर दिया यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया उनके बैकफुट पे जाती हुई टीम। अब क्या होगा, 3v2v 2v4v4, और वहाँ से भी पुश आना शुरू हो गया तो पुश, और यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे अमीन को भी नॉक कर दिया गया, और यहाँ पे देखते ही वाइप हो गई है स्कोर। अब क्या थर्ड पार्टी करेगी, अब थर्ड पार्टी होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पे स्मोक करना शुरू कर दिया, और यह बहुत ही बढ़िया नेट किया है माहिर ने, देखना पड़ेगा, दो नॉक कर दिया है माहिर ने एक ही नेट से, अब पुश करना बनता है और पुश कर, और यहाँ पे माहिर भी नॉक हो चुके हैं डीपी से, हाइड्रा सब कुछ घुस गया है, 2v2 नॉक है, दोनों के दो प्लेयर नॉक है, क्या कर देखना है हमें। अब इनको रिवाइव करना है, हाइड्रा सबको आते हुए और सीट है डीपी से M4 से नॉक कर दिया है, अब एक ही प्लेयर बचा है उनके पास, देखे तो प्री फायर देना चाहते हैं, रिवाइव भी करना है, तीन तीन प्लेयर को सीधा पुश डालने लगा चाहिए, प्री फायर देना चाहते हैं फिर से, मेरे ख्याल से पुश आ गया, डीपी है उनके पास, देखते हैं कितनी देर तक सर्वाइव करते हैं। आ गया प्लेयर और सीधा एक प्लेयर को नॉक करना चाहते हैं, एक प्लेयर को नॉक कर दें, उनको हेल्थ भी रिकवर करना है, M4 है उनके हाथ में, देखते हैं क्या कर पाते हैं। दूसरा प्लेयर भी आता हुआ, डीपी रीलोड पे लगाई है, मुझे लगता है गलती कर बैठे। यस बहुत ही बढ़िया पुश बाय सो हाइड्रा टीम, और यहाँ पे कितने किल ले चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा किल ले चुके हैं, 9 किल ले चुके हैं विदाउट कैजुअलिटी। रिवाइव करना है हाइड्रा सेबू को, लेकिन कर देंगे आराम से। हाइड्रा सेबू के बात करें तो उनके पास 3 किल है, सेबू के पास देखे तो 3 किल है,
माहिर के पास भी 3 किल है, हैदर अल्फा आफू के पास 0 किल है, और यहाँ पे थर्ड पार्टी करने के लिए एक और टीम आ चुकी है। देखते हैं उनको काउंटर कर पाएंगे नहीं। और यह ओपन शॉट हो गया, पहला नॉक भी कर दिया किंग शकील को आफू की तरफ से। टॉप बैक फुट पे है जाती हुआ सीधा फिनिश करने की, और 10 किल फिनिश हो चुके हैं अभी, और दूसरे प्लेयर को भी फिनिश नॉक फिनिश कर दिया। और वहाँ पे और स्कूल के पास और एक टीम आ गई, बहुत ही बढ़िया नीचे जंप लगाया, और देखते हैं क्या नॉक हो पाएंगे। नहीं, नॉक फ्री फायर दिया जरूर, दोनों प्लेयर नॉक पे आ गए, 3 प्लेयर नीचे आ चुके हैं, और उनको किंग अमीन को भी फिनिश कर दिया। शायद से 2 ही प्लेयर थे, दोनों को फिनिश कर दिया। 11 किल्स हो चुके हैं, हाइड्रा इन ऑन फायर है। तो यहाँ पे मुझे लगता है बहुत घमासान फाइट होने वाली है। यस, यहाँ पे पटेल पटेल 3 टीम है यहाँ पे देखे जाए तो, एक तीनों एक नॉक है, एक थर्ड पार्टी होने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। प्रिंस यहाँ पे लेटे हुए नेट करने की कोशिश है, क्या ये नेट परफेक्ट कुक होगा या दूसरा भी नेट किया जा चुका है। नहीं, लेकिन उनसे बच गया, प्लेयर को रिवाइव करना चाहिए, उनको पता नहीं है वहाँ से हट गए, वहाँ से ऑलरेडी फॉल बैक कर चुके हैं। वहाँ पे प्लेयर डी काउंटर फ्री फायर स्टार्ट कर चुके हैं, और एक डैमेज तो दिया है लेकिन ज़्यादा इतना डैमेज नहीं, पर ओपन में जाते हुए क्या ये बच पाएंगे। नहीं, उन्होंने पूरा मैगजीन खाली कर दिया, लेकिन नॉक नहीं हो पाए। देखते नॉक कर दिया है, एक प्लेयर को डाउन कर दिया है। 3v3 की 3v2 की सिचुएशन है, और एक प्लेयर को थोड़ा डैमेज किया है, देखते हैं क्या कर पाते। और यहाँ पे एक और प्लेयर को नॉक कर दिया है विट, और तीसरे प्लेयर को भी नॉक और फिनिश कर दिया है। मेरे ख्याल से उनको पुश कर दिया चाहिए, यहाँ पे दूसरी स्क्वाड है, ये बहुत ही बेहतरीन समय होगा फिनिश लाने का। और स्मोक करते हुए स्मोक कर, टीम नंबर 25 की बात करें तो थोड़ा स्प्लिट में है, 3v1 की स्प्लिट में है। अगर एक प्लेयर भी इनका नॉक होता है तो इनको मुश्किल पड़ेंगे। फिर से M24 निकाल लिए हैं इन्होंने, देखते हैं वहाँ पर या सीधा हाइड्रा सफू के बाद क्या। तो 4 फिनिश लग चुका है, 11 किल, हाइड्रा ऑन फायर है, और हाइड्रा थोड़ी लूट कर रहे हैं अभी के लिए। उनके पास प्रॉपर गन भी है, उन्होंने होल्ड करना प्रीफर कर रहे हैं क्योंकि इनके पास ऑलरेडी किल्स है। वहाँ पे हम चलते हैं, अभी तक कुछ नॉकआउट नहीं हुआ है M24 के साथ। क्या वो फ्लैंक बहुत ही बढ़िया मेरे हिसाब से लगाया गया है, प्रॉपर M4 हाथ में निकाले गए और पुश करना चाहते हैं। बगी के ऊपर बैठ गए, मेरे हिसाब से जोन में जाना प्रीफर करेंगे या फॉल बैक करेंगे, वो भी सेकंड टीम भी चाह चुके हैं जोन में। दोनों टीम जोन में जाना प्रीफर कर रही है अभी के लिए। यस, डेफिनेटली जोन में जाना के, क्योंकि जोन आपको ज़्यादा डैमेज देगा, या तीसरा चौथा जोन है, डैमेज और बढ़ेगा, आपके पास इतनी इनफ हीलिंग नहीं है। तो हाइड्रा फुल टू चिल करे, कंपाउंड होल करना पसंद करेंगी अभी के लिए। जाए तो सेंटर में क्लस्टर होने लगा है, और ड्रॉप के पास आए तो ऑग है वही, और एजे की टीम लेट रोटेशन डालना चाहेंगी, क्यों पता नहीं। 2 वीट और इनके पास 4v3 व्हीकल स्ट्रेटजी है, देखता है कि जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हाइड्रा की टीम चिकन निकालने के प्रबल दावेदार है, गाड़ी उन्होंने निकाल दिया, क्या करना पसंद करके मुझे क्या करना चाहते हैं मुझे अभी समझ में नहीं आया। मेरे हिसाब से ये अग्रेसिव टीम है, सीधा जाके पुश करना पस फ्री पर करेंगी, और सीधा पुश करने की M249 के साथ पुश करना चाहते हैं। चारों प्लेयर एक साथ ही निकलते हुए सीधा गाड़ी है, देखना है क्या करते हैं। मेरे हिसाब से ये कवर में है, लेकिन हमको देखा नहीं, पर ग्लिच है। M24 के फ्लाइडिंग शुरू हो गई है, यहाँ पे रोक देना चाहिए गाड़ी को। और यहाँ पे 4v4 के बाइक माहिर को नॉक कर दिया है, चलती गाड़ी से। सेबू की बात करें तो हम सेबू ने एक प्लेयर को नॉक कर दिया है, देखना है कि हाइड्रा बैकफुट पे जाती है। और हाइड्रा 3 प्लेयर डाउन हो चुके हैं, अल्फा हाइड्रा अल्फा की बात करते हुए थोड़ा पीछे है, रिवाइव देना चाहिए, स्मोक कर देना चाहिए, मॉली आ चुके हैं हाइड्रा, लेकिन पीछे से बैक स्टेप करते हुए प्लेयर हाइड्रा जो बहुत स्ट्रांग लग रही थी, उनको दो टीम ने मिलके मारा है। तो और यहाँ पे एक और प्लेयर बच, और इनका भी आखिरी प्लेयर बहुत ही बढ़िया एजे की टीम, प्रोफेशनल एजे की टीम द्वारा बहुत ही बढ़िया मूव, थर्ड पार्टी करने का मूव। 2 ही किल है, लेकिन पोजीशन पॉइंट निकालना चाहते हैं, चिकन के लिए जाना चाहिए। एक समय पर लग रहा था कि हाइड्रा चिकन निकाल जाए, कि उनको बैक स्टेप किया प्रोफेशनल एजे की टीम ने, और उनको निकाल दिया गेम से 5-2। और मौली के साथ उनको जला दिया और उनका काम तम, और यहाँ पे उनको नॉक कर दिया, बहुत ही बढ़िया नॉक कर दिया है एजे की तरफ से, लेकिन एजे को भी लो कर दिया है एक प्लेयर की तरफ से, देखना है अब वो प्लेयर क्या कुछ कर पाता है। और ओपन से आते हुए ओपन से आएंगे, ऑब्वियसली जोन का डैमेज है फ्री फायर, और यह बहुत ही बढ़िया फिनिश कर दिया है
गाड़ी से चलती गाड़ी से फिनिश करना चाहिए, लेकिन एजे ने अपना किल सिक्योर कर लिया है। डैमेज जोन का ज़्यादा होने चुका है, अपनी गाड़ियों से खुद ही भिड़ने लगे हैं। मुझे लगता है नॉक नहीं होना चाहिए, जो थोड़ा जोन दूर से नॉक ना हो जाए उनको हीलिंग करते रहना चाहिए। डॉट HP पर बच सकते हैं और ये बहुत ही बढ़िया वो जोन के अंदर चले गए और सफू को नॉक कर दिया है, फिनिश भी कर दिया है। देखते ही देखते यहाँ पे स्लैम डाल के स्लैम करने के और सीधा स्लैम डाल दिया है दो प्लेयर को शायद गाड़ी से और पूरी टीम को गाड़ी से निकाल दिया। ऑल चैट पे इनको पता नहीं, ऑल चैट पे ये गालियाँ नहीं देनी चाहिए ऐसे, अच्छी बात नहीं है। अब सिर्फ ओ अच्छी बात है, हम दो ही टीमें बची है। अब 4v अब 4v3 का सिचुएशन है। प्रोफेशनल AJ की टीम जोन से थोड़ा दूर है, मेरे हिसाब से इनको ऑल माइक बंद कर लेना चाहिए। प्रोफेशनल AJ की टीम सीधा स्लैम डालने की कोशिश, यहाँ पर रिच पे रुकना चाहेगी। यस रिच पे रुक गए हैं और सामने से भी प्लेयर आने लगे हैं और यहाँ पे प्रोफेशनल AJ और यहाँ पे प्रोफाइल के साल को ओपन में खिला दिया और यहाँ पे एक नॉक कर दिया, दूसरा प्लेयर भी नॉक कर सकते हैं। एवेंजर्स अल्ट्रॉन को भी नॉक कर, सीट को भी नॉक कर दिया और यह बहुत ही बढ़िया प्रोफेशनल AJ की तरफ से चिकन डिनर लेते हुए विनर विनर चिकन डिनर। 4 फिनिश विथ प्रोफेशनल AJ, 2 फिनिश निकाले M24 बॉट तो नहीं लग रहे मुझे, फिर दोनों ने कुछ किल नहीं निकाले। दूसरे नंबर पे टीम आई है एवेंजर्स अल्ट्रॉन की, जिन्होंने 3 ही किल निकाले सिर्फ, और पटेल माहिर 3 नंबर की टीम करे तो उन्होंने 55 पोजीशन निकाले। देखे हम हाइड्रा की जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेते थे, हाइड्रा सेबू और हाइड्रा आपू, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा 12 फिनिश कर दिया, बहुत ही बढ़िया खेले थे। मुझे लगता था एक टाइम पे के विनर विनर चिकन डिनर के प्रबल हकदार होंगे। आपको ये कास्टिंग मेरी अच्छी लगी हुई या गेम प्ले चार्ट तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके प्लान कर उनको ऑल पर कर लेना, जैसे कि हम ऐसे ही गेम प्ले मिस ना कर पाए। तो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।